तो आज हमारे आंसर ट्रू एंड फॉल्स ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर्स। क्या कह रहा हैं ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तो हमारे ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बिकॉज जो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं वो कितने? वन से होते हैं नेचुरल नंबर एंड फॉर नेचुरल नंबर कहाँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन जबकि होल नंबर कहाँ से डब्ल्यू क्या होता है होल नंबर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन तो क्या हो ऑल होल नंबर जितने भी होल नंबर हैं आर नेचुरल आर नेचुरल नहीं गलत क्योंकि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर में क्या नहीं आता जीरो नहीं आता ठीक है तो जीरो इज नॉट ए होल नंबर ओह नेचुरल नंबर ओके तो ऑल होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर तो क्या हो जाएगा ऑल आर नेचुरल नंबर कह रहा तो so, नहीं होगा बिकॉज ये फोर्स जीरो इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर ओके एवरी होल नंबर हैज इट प्रोड्यूसर ये भी फॉल्स है प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है जैसे नाइन है नाइन का प्रोड्यूसर क्या कहूँ वन माइनस कर दो तो एट हो जाएगा ठीक है सेवन का प्रोड्यूसर क्या हो जाएगा वन माइनस कर दो तो सेवन मतलब एक माइनस करना है लेकिन हमारा होल नंबर क्या होते हैं डब्ल्यू से होल नंबर हम करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये होल नंबर से ठीक है सबके लेकिन जीरो में से जी वन माइनस हो सकता नहीं तो जीरो का कोई प्रोड्यूसर्स नहीं होता ठीक है जीरो का क्या नहीं होता प्रोड्यूसर नहीं तो वन का जीरो होगा टू का वन होगा थ्री का टू होगा फोर का थ्री होगा लेकिन जीरो का नहीं होगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट ठीक है जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बिल्कुल राइट है ये क्या ट्रू है हमारा होल नंबर कहाँ से शुरू होता है जीरो से तो जीरो वन टू जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन जीरो क्या स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है यस द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर मतलब एक कम ऑफ एवरी टू डिजिट नंबर इज ऑलवेज सिंगल डिजिट बिल्कुल ऑलवेज सिंगल डिजिट ये भी फॉल्स है स्टेटमेंट बिकॉज ये कह रहा है जितने भी टू डिजिट नंबर है उनके सारे के अगर प्रोड्यूसर करेंगे तो क्या आएगा सिंगल डिजिट नंबर आएगा बिल्कुल नहीं अगर मैं फोर्टीन का प्रोड्यूसर करूँगा तो कितना आ जाएगा थर्टीन आएगा टू डिजिट नंबर है अगर मैं थर्टीन का करूँ तो वन तो कितना आएगा ट्वेल्व आएगा टू डिजिट नंबर है जबकि कह रहा है द प्रोड्यूसर ऑफ एवरी टू डिजिट नंबर इज या सिंगल डिजिट ना ये तो गलत है ठीक है ये स्टेटमेंट गलत है बिकॉज टू डिजिट नंबर नाइन्टी नाइन भी है इनमें से मैं वन करूँ तो कितना है, है कि नाइन् एट तो ये भी टू डिजिट नंबर है तो हमारे ये हमारे लिए फॉल्स हो जाएगा ओके okay?